प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। इस लेक्चर से हम मोटर का प्रोटेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम मोटर में कौन कौन से फॉल्ट्स और एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मोटर को ओवरलोड से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज, यानी कि मोटर में कौन कौन से फॉल्ट्स या एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं। पहला है ओवरलोडिंग, मोटर जो है वो ओवरलोड हो सकता है। अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज, वोल्टेज बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो सकता है। रिवर्स रोटेशन, मोटर है उसका रोटेशन जो है वो रिवर्स हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। हार्मोनिक इफेक्ट्स, यानी जो सिग्नल है उसमें हार्मोनिक्स हो सकते हैं। वोल्टेज अनबैलेंस हो सकता है। शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेजेज, दो फेज के बीच में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, यानी एक फेज जो है वो ग्राउंड से टच कर सकता है तो ग्राउंड फॉल्ट हो गया। प्रोलॉन्ग्ड स्टार्टिंग टाइम, यानी कि मोटर को स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त लगे तो प्रोलॉन्ग्ड स्टार्टिंग टाइम, यानी स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा हो। लॉक्ड रोटर कंडीशन, यानी कि रोटर जो है वो लॉक्ड हो जाए, यानी कि रोटर रोटेट नहीं करे। और सिंगल फेजिंग, सिंगल फेजिंग कहने का मतलब है कि आपका थ्री फेज का मोटर है और इसमें जो है ये सिर्फ एक ही फेज में अगर लाइन आ रही है, बाकी दो फेज अगर फॉल्टी हो गया है तो ये मोटर जो है वो सिंगल फेजिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंगल फेजिंग के अगेंस्ट भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, यानी मोटर को ओवरलोड से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। मोटर ओवरलोड अकर्स व्हेन ए मोटर इज अंडर एक्सेसिव लोड, यानी कि जब मोटर एक्सेसिव लोड पे होता है, यानी ज़्यादा लोड हो जाता है तो उसी को ओवरलोड कहा जाता है। द प्राइमरी सिम्टम्स एक्कम्पेनिंग मोटर ओवरलोड आर एक्सेसिव करंट ड्रा, इनसफिशियंट टॉर्क एंड ओवरहीटिंग, यानी जो प्राइमरी सिम्टम्स जो है, जो प्राथमिक लक्षण हैं ओवरलोड होने के, उसमें है कि जो मोटर है वो एक्सेसिव करंट ड्रॉ करता है, यानी बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकता है, या जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो सफिशियंट नहीं हो और वो ओवरहीट हो सकता है। एक्सेसिव मोटर हीट इज ए मेजर कॉज ऑफ प्री मैच्योर वियर ऑन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड्स टू मोटर फेल्योर, यानी कि मोटर का एक्सेसिव हीट हो जाना, बहुत हीट हो जाना जो है वो एक मेजर कॉज है मोटर को डैमेज होने का। जब मोटर ओवर हीट होता है तो जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैकेनिकल कंपोनेंट जो हैं वो समय से पहले वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, घिस सकते हैं, यूजलेस हो सकते हैं। तो जो ओवर हीट जो है ये एक एक्सेसिव मेजर कॉज है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग थर्मल रिले, थर्मल रिले का यूज करके, जिसको कि बायोमेट्रिक रिले भी कहते हैं, तो इस रिले का यूज करके मोटर को ओवरलोडिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मल रिले या बायोमेटालिक रिले। थर्मल रिले या बायोमेटालिक रिले क्या है, इसमें जो है एक बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज होता है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये जो फिगर है ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, इसमें ये दो मेटल का बना हुआ होता है, दो मेटल का कम्बिनेशन होता है। दोनों मेटल का जो टेम्परेचर कोफिशियंट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर कोफिशियंट होने के कारण इसका जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग होता है। और इस बायोमेटालिक स्ट्रिप को या बायोमेटालिक इलामेंट को एक हीटिंग कॉइल के पास के ऊपर रखा जाता है, और जब नॉर्मल करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इस बायोमेटालिक इलामेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मोटर ओवरलोड हो जाती है तो उसके कारण जो हीटिंग कॉइल है इसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो होता है, हाई करंट फ्लो होता है, और जिसके कारण कि हाई हीट भी डेवलप होता है। जब हाई हीट डेवलप होता है तो ये जो आपके बायोमेटालिक स्ट्रिप हैं ये हाई हीट होने के कारण, हीट ज़्यादा होने के कारण ये जो हैं वो बेंड कर जाते हैं, और ये अभी जो ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं ये धीरे धीरे
डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हीट जनरेट हो रहा है उसके अनुसार ये बेंड कर जाते हैं। तो जब ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जब बेंड करता है तो ये जो आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है जो कि इसमें टच कर जाता है। अभी ये ओपन कंडीशन में है लेकिन जब ये बेंड करता है यानी हीट ज़्यादा होने के कारण जब ये बेंड करता है तो ये आपका इसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है और जब ये सर्किट क्लोज हो जाता है तो ये आपका ट्रिपिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है यानी कि आपको ये जो सर्किट को ये डिसकनेक्ट कर देता है। फिर जब ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं तो ये सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये अलार्म सर्किट से कनेक्टेड हो यानी कि आपको अलार्म वो बजने लगेगा कि जो है इसका अलार्म बजने लगेगा यानी कि एक वार्निंग मिलती है कि कोई फॉल्ट हुआ है या ओवर करंट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है। तो ये अलार्म सर्किट से भी कनेक्ट हो सकता है या ट्रिपिंग कॉइल से भी कनेक्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पे इस इक्विपमेंट को लगाया गया है। या दोनों भी यूज हो सकते हैं कि अगर थोड़ा सा ओवरलोड हुआ है तो अलार्म सर्किट बजेगा, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो आपको ये जो है वो सर्किट को डिसकनेक्ट कर देगा यानी कि ट्रिप कर देगा। थर्मल रिले वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द हीटर कॉइल, यानी कि जो थर्मल रिले है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कि हीटर कॉइल के थ्रू फ्लो होता है। वन और मोर बाई मेटालिक स्ट्रिप्स आर माउंटेड एबव दीज हीटर्स विच एक्ट्स एज लैचेज फॉर द ट्रिपिंग मैकेनिज्म और टू गिव एन अलार्म सिग्नल इफ डिजायर्ड, यानी कि ये जो हीटर्स हैं या हीटिंग कॉइल जो हैं इसके ऊपर बाई मेटालिक स्ट्रिप को एक या एक से अधिक वायु मेटालिक स्ट्रिप को माउंट किया जाता है, रखा जाता है या कनेक्ट किया जाता है जो कि लैच का काम करते हैं और ट्रिपिंग मैकेनिज्म के लिए ये जो है वो अब ट्रिपिंग मैकेनिज्म के लिए लैच का काम करते हैं और ये आपको ट्रिप करने का काम करते हैं। जब बायोमेटालिक स्ट्रिप जब ओवर या आपका हीट के कारण जब ये बेंड कर जाता है तो या तो ये अलार्म प्रोवाइड करते हैं या तो फिर सर्किट को ट्रिप कर देते हैं जैसी आवश्यकता हो इफ डिजायर्ड। द हीटर मे बी हीटेड डायरेक्टली फॉर स्मॉल मोटर्स और थ्रू सीटीज फॉर मीडियम साइज मोटर्स, यानी ये जो हीटर है वो आपको डायरेक्ट स्मॉल मोटर्स के लिए डायरेक्टली भी इसको हीट किया जा सकता है या अगर मीडियम साइज के मोटर हैं तो उसके लिए जो है इसको करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू भी इसको हीट कराया जाता है या करंट फ्लो कराया जाता है इसमें। बेंडिंग ऑफ द बाई मेटालिक स्ट्रिप बाई हीटिंग पुशेस ए कॉमन ट्रिप बार इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रिपिंग, यानी कि जो जब मोटर जब ओवरलोड होता है तो उस केस में हीट करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है जिसके कारण के हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है वो बेंड करता है और बाई मेटालिक स्ट्रिप जब बेंड करता है तो ये जो ट्रिप बार है उसको ये पुश करता है, उससे कॉन्टैक्ट में आ जाता है और ये पुश करता है और वो जो है आपका ट्रिप बार जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रिपिंग का डायरेक्शन में वो जो है पुश हो जाता है, पुश करता है टू एक्चुएट ए माइक्रो स्विच टू ट्रिप द रिले, रिले को ट्रिप करने के लिए वो जो है स्विच को एक्टिवेट कर देता है। द रेट ऑफ हीटिंग डिटरमाइंस द रेट ऑफ मूवमेंट एंड हेंस द ट्रिपिंग टाइम एंड प्रोवाइड्स एन इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो रेट ऑफ हीटिंग यानी जिस रेट से आपका बायोमेटालिक एलिमेंट हीट हो रहा है उस रेट पे डिपेंड करता है कि जो बायोमेटालिक एलिमेंट है वो आपका ट्रिपिंग टाइम कितना लगेगा और किस रेट से वो मूव कर रहा है यानी कितने देर पे वो ऑपरेट करेगा, ये आपका डिपेंड करता है कि वो किस रेट से हीट हो रहा है एंड प्रोवाइड्स द इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक्स, और इस प्रकार से वो इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है यानी कि अगर ज़्यादा अगर हीट होगा तो बहुत जल्दी ऑपरेट होगा और कम अगर हीट होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ऑपरेट होने में, तो इसलिए इनवर्स टाइम करेक्टरिस्टिक्स इसका होता है।
एनी बाई मेटालिक कम्बिनेशन हैविंग डिफरेंस इन दियर कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सच एज बाई मेटल ऑफ ब्रास एंड स्टील इज यूज फॉर सच एप्लीकेशंस, यानी कि कोई भी बाई मेटालिक कम्बिनेशन जिसका कि टेम्परेचर कोफिशियंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसको जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जो है वो ब्रास और स्टील, ये दो प्रकार के मेटल जो है वो बाई मेटालिक स्ट्रिप के लिए यूज किए जाते हैं। वन एंड ऑफ द स्ट्रिप इज फिक्स्ड, यानी कि इस जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है उसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड रहता है एंड द अदर एंड इज लेफ्ट फ्री फॉर नेचुरल मूवमेंट, जो दूसरा एंड है वो फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए, स्वतंत्र होता है। व्हेन हीटेड ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन द स्टील, यानी जब बाई मेटालिक एलिमेंट जब हीट होता है तो उसमें जो ब्रास का मटेरियल है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है स्टील की तुलना में एंड बेंड्स टुवर्ड्स द स्टील गिविंग द डिजायर्ड मूवमेंट, और जो है वो स्टील की तरफ वो बेंड करता है और ट्रिपिंग लीवर को एक्चुएट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए जो है वो डिजायर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस लेक्चर में हमने प्रोटेक्शन ऑफ मोटर के अंतर्गत फॉल्ट्स और एबनॉर्मलिटी डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने मोटर का ओवरलोड प्रोटेक्शन भी डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।